40% इनफर्टिलिटी के केसेस में मेन फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है, जिसमें कई रीजन होते हैं, स्टैमिना, वाइटलिटी, लो लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी की समस्या होती है। तो क्या इसको डाइट से ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, YouTube सहेली चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम सब कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानते हैं, फर्टिलिटी बूस्टिंग डाइट्स के बारे में जानते हैं, छोटी छोटी डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स को समझते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी को दूर करने के लिए क्या खाना होगा आपको, जो कि आप अपनी डेली की लाइफस्टाइल में डे टू डे में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टिप्स बहुत आसान है। लेकिन आप हमें YouTube मॉम चैनल पर भी फॉलो करें, और साथ ही YouTube सहेली पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। कई लोग ये समझते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी है मतलब भाई ये आदमी तो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता, इसमें तो स्पर्म ही नहीं बनते, और ये पूरी तरह से इनफर्टाइल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं स्पर्म ना बनने की। इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो स्पर्म के प्रोडक्शन को, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी हमेशा ही स्पर्म जीरो नहीं कर देती। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी अगर है आपको तो ठीक हो सकती है। कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं जो ओवरलैप करते हैं, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जिनकी वजह से स्पर्म भी नहीं बनता। तो ऐसे भी कुछ ओवरलैपिंग कंडीशंस होती हैं जो पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करती हैं। पुरुष की उम्र, उनके हार्मोन का स्तर, जीवनचर्या कैसी है, उसे हार्मोन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एडिक्शन है या नहीं है, खानपान किस तरीके का, ये सारे फैक्टर्स इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी पर असर डालते हैं। लेकिन जो डाइट हम आपको बता रहे हैं और कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस, अगर आप पॉजिटिव हैं और जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। 3 महीने तक अच्छी डाइट को फॉलो करने से आपको बहुत बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। तो आपको खाने में क्या खाना है? आप कोकोआ युक्त पदार्थ खा सकते हैं, जैसे कि डार्क चॉकलेट्स आप खा सकते हो। याद रखिए, डार्क चॉकलेट में कोकोआ का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपको अगर मीठा या चॉकलेट्स खाने का मन है तो आप डार्क चॉकलेट्स अपने पास रखें और कभी कभी आप खा सकते हैं। नट्स और फ्लेवोनॉइड रिच फूड, जैसे कई तरह की ग्रीन टी होती है वो आपको फायदा करती है। कई अच्छी बेहतरीन ग्रीन टी मार्केट में है। और ड्राई फ्रूट्स खाइए, आप मखाने खा सकते हैं, आप एलमंड्स खा सकते हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। और फायदेमंद है कम से कम 2-3 ड्राई फ्रूट्स आप अपने रूटीन में शामिल कर दीजिए। पुरुषों के लिए स्प्राउट्स खाना बहुत ज़रूरी होता है। मेल फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो हम स्प्राउट्स की सलाह सभी को देते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। कोई एक ऐसा फूड जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में और मात्रा में पोषक हो वो स्प्राउट्स हैं। तो आप स्प्राउट्स को हफ्ते में 4-5 दिन खाने का प्रयास कीजिए। आपको कोई एडिक्शन है तो थोड़े समय के लिए आप उसे रोकें। एडिक्शन को दूर करने के लिए आप जिंजर को मुंह में रख सकते हैं। जिंजर गोलियां भी आती हैं, अदरक की गोलियां आती हैं, आप लौंग, इलायची, इस तरह की चीज़ें मुंह में रख सकते हैं जिससे कि आपको एडिक्शन ना हो। L-arginine युक्त पदार्थ आपको खाने चाहिए। इसके अलावा रात को सोते समय अश्वगंधा अपने मिल्क में ऐड करके ले सकते हैं। अश्वगंधा को आप पानी से भी ले सकते हैं। इसके अलावा माका रूट के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कई ऐसे सप्लीमेंट हैं जो कि हमने सजेस्ट किए हैं पुरुषों के लिए, जिसमें एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम होता है न्यूट्रिएंट्स का, इंग्रेडिएंट्स का, जो कि पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अश्वगंधा, माका रूट उनमें से एक है। इसके अलावा अगर आप चुकंदर और अनार, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ले लीजिए और 8 हफ्ते रेगुलर लीजिए, तो इनमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं और ये ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी सिंपली दूर हो जाती है। सो सबसे पहली चीज़ है डाइट। आप डाइट लीजिए, सही से खान पान लीजिए, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी मत खाइए, तनाव से बचिए, क्योंकि कई बार तनाव, एंजाइटी हमारे हार्मोन पे बड़ा बुरा असर डालती है। तनाव से बचिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए। कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइजेस बहुत ज़बरदस्त होती हैं और इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी में काफ़ी फर्क पड़ता है। इसके अलावा आप कीगल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ट्राई दिस एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।